इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कंपनी, इस वीडियो में मैं आपको फॉरेन और स्मॉल कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अ फॉरेन कंपनी इज एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और पाकिस्तान। सिंपल वर्ड में जो भी कंपनी आपके मुल्क में अपना बिजनेस रन कर रही है पर आपके मुल्क में मौजूद नहीं है, मतलब वो उसकी जो उसका हेड जो है उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो किसी और मुल्क में है, उसकी जो पैदावार हुई है वो किसी और मुल्क में हुई है, उसके जो चलाने वाले ऑनर हैं वो किसी और मुल्क के हैं, तो वो एज अ किसी और मुल्क की कंपनी है पर आगे अपनी ब्रांचेज अपने बिजनेस को अपने कंपनी के नाम को बढ़ाने के लिए दूसरे मुल्कों में अपनी ब्रांचेज खोली हैं थ्रू द एजेंट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड अपनी कंपनी को रन कर रही हैं अपनी सब्सिडरीज कंपनी को अपनी ब्रांचेज को, तो वो हम उनको कहते हैं फॉरेन कंपनी क्योंकि वो बाहर की कंपनी है एज आ आपके मुल्क में काम कर रही हैं। जैसे कोको कोला हो गई, ये भी बाहर की कंपनी है और पाकिस्तान इंडिया में ये बिकती है कोक की बोतल। इसकी जो एजेंसीज हैं इसकी सब्सिडरीज कंपनी है इसकी ब्रांचेज हैं वो ओपन है पर ये कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है। आगे व्हाट्सएप फेसबुक ये भी फॉरेन कंपनी है। इसका एक और लॉजिक है, फॉरेन कंपनी जो है अगर किसी फॉरेन कंपनी का 50% शेयर जो है उस जिस कंपनी में वो मौजूद है वो लोगों के पास 50% शेयर उस कंपनी का मौजूद है तो वो फॉरेन कंपनी नहीं रहेगी, वो उस मुल्क की कंपनी जानी जाएगी क्योंकि 50% या 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो उस मुल्क के लोगों के पास है तो वो फॉरेन कंपनी नहीं रहेगी। आगे है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी जो है इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता और इसकी जो हायर अमाउंट ऑफ प्री सक्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़, जो इसकी प्री सक्राइब्ड टर्नओवर कह लें या कंपनी की रेवेन्यू कह लें या कंपनी की टोटल प्रोडक्ट सेल कह लें, एक ही चीज़ होती है वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो उसको हम कहते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और इसकी एक्ट में पाकिस्तान और इंडिया के एक्ट में 50 लाख से शेयर कैपिटल जो है गवर्नमेंट चाहे 2 करोड़ तक भी कर सकती है और इसका जो है टर्नओवर इसकी सेल प्रीस्क्राइब्ड जो है वो अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से 20 करोड़ तक भी कर सकती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आपको फॉरेन कंपनी और स्मॉल कंपनी का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।